Good morning students have a good day welcome to the class it is your social studies class and we will read chapter 1 the chapter name is our country india students where do you live yes we live in india स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द फिज़िकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री इंडिया की फिजिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे लेट स्टार्ट इंडिया आवर कंट्री इज़ यूनिक इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज हमारी कंट्री इंडिया विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है इट लाइज इन देंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया यह साउथ एशिया के सेंट्रल पार्ट में स्थित है द साउथन पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनंसुला इसके साउथ पार्ट को पेनंसुला कहा जाता है इट हैज़ द बे ऑफ बेंगाल टू इट्स ईस्ट इसके ईस्ट में बे ऑफ बेंगाल है द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट इसके वेस्ट में अरेबियन सी है एंड द इंडियन ओशन इज इन द साउथ और इसके साउथ में इंडियन ओशन है द ग्रेट हिमालयन रेंज फॉर्म्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट हिमालय वी विल रीड फर्दर अबाउट हिमालय इन दिस चैप्टर हिमालयन रेंज हमारी कंट्री की नॉर्थ में है द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंडस इन द बे ऑफ बेंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी इसके बे ऑफ बेंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इसके अरेबियन सी में हैं कन्याकुमारी इज़ इन दाउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया कन्याकुमारी इंडिया के साउथ में है एंड द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज नोन एज पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट इंडिया के लास्ट इट मीन्स साउथर्न के लास्ट पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट कहा जाता है स्टूडेंट्स इट इज़ द इमेज ऑफ इंडियन मैप स्टूडेंट्स हेयर आर some marked images you can see it is bay of bengal it is the east of india here it is arabian sea that is the west part of india lakshadweep island that is in a circle it is situated in arabian sea and here andaman nicobar that is situated in bay of bengal i think this picture has been clear to you the himalayas our next concept is himalaya students do you know about himalaya i tell you the himalayan mountain range runs from northwest to northeast हिमालयन रेंज इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है अबाउंड्री विथ कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार एंड इंडिया हिमालय पर्वत इन सभी देशों में यस yes, पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यानमार एंड इंडिया हिमालय देश की जो बाउंड्रीज हैं वो इंडिया के साथ साथ इन कंट्रीज़ में भी फैली हुई हैं इट दस क्रिएट्स अ डिस्टेंट डिस्टिंगटिंग लैंडमार्क नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस हिमालय पर्वत के साथ साथ फैले हुए एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज नॉट ओनली शेयर द फिज़िकल फीचर्स बट ऑल्सो द क्लाइमेट वेजिटेशन कल्चरल एंड इकनॉमिक ट्रेड इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की फिज़िकल फीचर्स ही सेम नहीं है बच्चों बल्कि इसके क्लाइमेट इसकी वेजिटेशन इसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ और इकनॉमिक यानी कि व्यापार भी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सिमिलर है इट मीन्स हिमालय पर्वत की वजह से इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सेम हैं नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स डू यू नो वेयर आवर कंट्री इज लोकेटेड हमारा कंट्री जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है आई टेल यू इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है इट मीन्स वर्ल्ड मैप के बीचों बीच इंडिया सिचुएटेड है इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरेजन यह है लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं वहाँ स्थित है सो इट मीन्स आवर कंट्री इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ वर्ल्ड मैप लुक यू कैन सी द रेड कलर्ड इंडिया इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड मैप इट इज़ नियर about north pacific ocean or we can say it is the central part of south asia i hope all the location of india has been understood by you hope this chapter is clear to you students watch this video again and again for Proper understanding. See you.